नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पर इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। भारत माँ के वीर सपूतों को नमन आज पूरा भारत कर रहा है। वैसे तो भारत में शहीद दिवस को एक साल में अलग अलग दिनों पर मनाया जाता है, जिसमें से सबसे मुख्य 30 जनवरी, 23 मार्च, 21 अक्टूबर, 17 नवंबर और 19 नवंबर है। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। वहीं आज 23 मार्च के दिन भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने के रूप में शहीद दिवस मनाया जा रहा है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को याद कर रहा देश। आज के ही दिन दी गई थी तीनों को फांसी। देश की आजादी के लिए हो गए थे बलिदान। अंग्रेजी शासन की हुकूमत के खिलाफ की आवाज बुलंद। देश की आजादी के लिए भारत माँ के कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिसमें से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी एक हैं। अंग्रेजी शासन की हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए उन्होंने पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल के विरोध में सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सजा दे दी गई। अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने लाहौर में सारंस की गोली मारकर हत्या कर दी। आज भी देश भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान नहीं भूला है। 23 मार्च के दिन, शहीद दिवस के दिन स्कूलों और कॉलेजेस में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। बता दें कि 21 अक्टूबर के दिन साल 1959 में केंद्रीय पुलिस बल के जवान लद्दाख में चीनी सेना के एक एम्बुश में शहीद हुए थे। इस कारण 21 अक्टूबर को पुलिस की ओर से शहीद दिवस मनाया जाता है। वहीं 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की स्मृति में ओडिशा में शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन के दिन 19 नवंबर को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया जाना हमारे देश में इतिहास की बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यही वजह है कि ट्विटर पर शहीद दिवस भगत सिंह ट्रेंड कर रहा है। एक यूजर ने तीनों क्रांतिकारियों के बलिदान को याद करते हुए लिखा, भारत के वीर सपूतों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। इसके अलावा और भी कई यूजर्स ने अपने अपने तरीके से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को याद किया। उनकी शहादत को देश का हर नागरिक सच्चे दिल से सलाम कर रहा है। भारत को आजाद कराने के लिए इन वीर सपूतों ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया था। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।